चलो ऐसे। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम होकर आती। बीवी है ये मेरी, अगर इस पर नजर डालने की कोशिश भी करना तो जान से मार दूंगा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रही है? दी, वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो वो मुझे इसी रेस्टोरेंट में ट्रीट देने वाली है। अच्छा, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? दादी ने जबरदस्ती डिनर के लिए भेजा है। हम दोनों को ही आने का मन नहीं था, लेकिन हम दोनों मतलब तो किसके साथ आई है? तेरे जीजा जी के साथ। ओ गॉड, अभी जीजू भी यहाँ है, कहीं उन्होंने मुझे पूरब के साथ देख लिया ना तो। ए, क्या हुआ? किसके साथ आया तू यहाँ पर? कोई आलिया को डबल टाइम तो नहीं कर? अभी ये तू क्या बोल रहा है? मजाक करो यार। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा? वो एक्चुअली आज बाहर खाने का मन था तो ऑफिस वालों ने बोला ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, सो आई थॉट आई कम हियर। अच्छा है, खाना अच्छा है? अच्छा हुआ मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, वरना चश्मे शर्त जीत जाती। तू यहाँ कैसे? मैं इसके साथ आया। अभी तूने बताया नहीं, तो जीजू के साथ नहीं लेकिन किसी और के साथ भी आई है। और जीजू, आपको तो पता होना चाहिए ना कि रोमांटिक डिनर पे किसी को साथ में नहीं लाते। ये मेरे साथ नहीं आया और मैं रोमांटिक डिनर और वो भी इसके साथ। और आपको तो पता होना चाहिए ना कि न्यूली मैरिड कपल के साथ में नहीं आते। वैसे जब आपकी आलिया के साथ शादी हो जाएगी तो क्या आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे डिनर पे? नहीं ना। चलिए उठिए, इन दोनों को ना अकेला छोड़ दीजिए। चलिए उनको। मैं यहाँ इनके साथ नहीं आया, मैं तो यहाँ जनरली डिनर पे आया था। ये लोग तो इत्तेफाक से मुझे यहाँ मिल गए। अब कौन किसके साथ आया, कौन किसके साथ नहीं आया, रियली डोंट केयर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चल। नहीं, तुम मेरे साथ आओगी। पिछली बार मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा था तब तुम पुलिस स्टेशन में मिली थी, इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता। चलेज को। ठीक है दी, मैं भी चलती हूँ। लेकिन तेरी दोस्त? दी, मैंने उसे फोन करके बता दिया कि हम किसी और रेस्टोरेंट में मिलेंगे। वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं आया। ठीक है। See you. तनु, क्या हर वक्त बच्चों की तरह अपसेट होती रहती हो? पहले ही प्रॉब्लम कम है क्या जो ऊपर से तुम ऐसे हमेशा अपसेट रहती हो यार? नाराज मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अभी को मेरे करीब लाने की जगह तुम उस चश्मिश को सिर्फ नीचा दिखा रही हो, और जब वो तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम उसकी फैमिली को नीचा दिखा रही हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम चाहती क्या हो। ताजमहल बनाना चाहती हूँ। ऑफकोर्स मैं तुम्हें और भाई को एक करना चाहती हूँ, उसके मामा जी को इंसल्ट करके। उसके मामा का इंसल्ट करके क्या होगा? वो एक दो मिनट सैड रहेगी, थोड़ा दिखावा करेगी, फिर सब कुछ नॉर्मल। मुझे बस उस बहन जी की इंसल्ट देखनी है। दादी, कहाँ जा रही हैं आप दादी? अरे ये प्रज्ञा के लिए नए कपड़े लिए थे ना संगीत के लिए, उसे देने जा रही हूँ। दादी घर में इतने सारे नौकर हैं, हम सब हैं, तो आप काम क्यों करती हैं? कम ऑन दादी, आप एक काम करिए, लाइए ये मुझे दे दीजिए, भाभी को मैं दे दूंगी। ठीक है, दे देना। उसको कुछ कहना? अरे उसको ये कहना कि ये कपड़े मैंने भेजे हैं और यही पहनने आज। ऑफ कोर्स दादी, आपने दिए तो ये तो यही पहनना चाहिए। आप जाकर रेस्ट करो, मैं दे दूंगी।
मैं आराम ही कर लेती हूँ, आधा घंटा सो लेती हूँ जरा। ऑसम आलिया, तू उसकी इंसल्ट कर रही है या खुद की इंसल्ट करवा रही है? ये ड्रेस तो उसे खुद सर्वेंट बन के देने जाएगी। अगर इतनी एनर्जी तुम बोलने में नहीं बल्कि सोचने में लगाती ना, तो आज तुम मॉडल नहीं साइंटिस्ट होती। I'm happy being a model, okay? Yeah, whatever. लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं ये ड्रेस देने नहीं बल्कि भाभी जी को उनकी इंसल्ट का इनविटेशन देने जा रही। मतलब बड़ा ही साफ है तनु, ये ड्रेस तो मैं उसे दूंगी लेकिन इस पैकेज के अंदर दादी की दी हुई ड्रेस नहीं, तुम्हारी ड्रेस होने वाली। पर सोचो, दादी को तुम्हारे टाइप की ड्रेसेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, यू नो आजकल के टाइप की ड्रेसेस। तो सोचो जब वो तेरी वाली ड्रेस पहनकर दादी के सामने आएगी तो दादी का क्या रिएक्शन होने वाला है? एंग्री ओल्ड वुमन। हेलो, ये पकड़ो, दादी ने तुम्हारे लिए भेजी, आज के संगीत के फंक्शन में तुम्हें यही पहनना है। आखिरी के कुछ ही दिन रह गए हैं इस घर में, इसलिए फ्री की ड्रेसेस, लग्जूरियस लाइफ, जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम यहां से जाने वाले। ये ड्रेस क्या कर रहे? ये तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया दादी पर जो ड्रेस उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो उन्होंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया आज के फंक्शन में पहनने के लिए। अपनी खुशकिस्मती समझो कि दादी तुम्हारे लिए इतना फेवर करती। मुझे पूछती हो ये ड्रेस? लेकिन मैं ये ड्रेस ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। ठीक है, मत पहनो ये ड्रेस, मैं जाकर दादी को बोल दूंगी कि उनकी दी हुई ड्रेस तुम्हें पसंद नहीं आई और तुम ये नहीं पहनने वाली। मेरे लिए काम और भी आसान हो जाता है क्योंकि दादी के सामने मैं तुम्हें और गिरा हुआ दिखा दूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने दादी की दी हुई ड्रेस नहीं पहनी। थैंक यू फॉर मेकिंग माय नहीं। रहने दो। ऑलराइट देन। पेंडू पेस्ट्री सिंपल। जब ये बहनजी टाइप की लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनती है ना तो उसे कहते हैं पेंडू पेस्ट्री। अब आएगा मजा। वो कैसी दिखेगी ये तो लोगों का चेहरा देख के पता चल जाएगा। मैं बताती हूँ ना, पेंडू पेस्ट्री दिखेगी, चश्मिश पेंडू पेस्ट्री। दैट टू वेट एंड वॉच। तू एक काम कर पुत्र, जल्दी से जा, जल्दी जा और सत्तू से बोलकर सारा काम पूरा करा। पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अरे पापा जी कुछ नहीं होगा, मैं आऊं ना, मैं देख लूंगा। जा पुत्र जल्दी जा। अरे भाई कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ ना, और देर हो रही है, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहे हैं, क्यों शोर मचा रहा है? ओ बुलबुल तेरी माँ कहाँ रह गई? माँ कुछ भूल गई है अंदर, वहीं लेने गई है। अच्छा अच्छा। हाँ कब्बू तेरी सब तैयारियां तो ठीक है ना? विजी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, एकदम फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास नहीं होना चाहिए, टॉप क्लास होना चाहिए। अपने आदमियों को भी बोल दियो, तुझे पता है ना लड़की की ससुराल का मामला है, खाना ऐसा बढ़िया बनाइयो, ऐसा बढ़िया बनाइयो कि लोग उंगली चाटते नहीं काटते रह जाएं। आप बिल्कुल फिक्र मत करो विजी, इस बात पर मैंने खास ध्यान दिया है। चल अच्छा है, वो पुनीत का? वो पुनीत को मैंने पहले ही भेज दिया है, वो वहाँ जाके सारा देख लेगा काम। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जाकर ऑटो तो रोक बेटा। जा, ऑटो को रोक। जल्दी जा रोक। ऑटो 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 ऑटो। बुलबुल तो अभी तक आई नहीं है, चलो हम लोग वहीं जाके देखते हैं। हाँ दीदी हम लोग जा रहे हैं, आप आ जाना। हाँ चल। अब ये घर के काम करना छोड़ दे, चाहिए होगा तो मुझे बता दिया कर। पता नहीं यहाँ ऑटो वालों को क्या हो गया, एक भी नहीं रुक रहे। ऑटो 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 ऑटो। तू बैठ मैं आता हूं। अरे रुको 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 भाई,
इन्हें ले चल। अरे भाई सीएनजी नहीं है। अरे सीएनजी नहीं है तो चला कैसे रहे हो तुम? भाई बढ़ाना है मतलब, रास्ते में भरा लेना। चलो बिठाओ इन्हें। अरे भाई दूसरी रिक्शा करो ना। तुम बिठाते हो या बुलाऊं पुलिस वालों को? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक को तंग नहीं कर सकते। चलो बिठाओ। ठीक है बुलाओ। बैठो। थैंक्स, मैं दूसरी ऑटो ले लूंगी। अरे बुलबुल बेटा, ऑटो खाली है ना, बैठना। दादी आप लोग जाइए ना इस ऑटो में, मैं माँ के साथ दूसरे ऑटो में आ जाऊंगी। चलो चलो हम चलते हैं। चल ऑटो 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 ऑटो। अम्मा आप इस ऑटो में चले जाइए, पूर्वी वहीं मिलेंगे। दादी को भी क्या सोचे, ऐसे कपड़े क्यों दे दिए पहनने के लिए, इन कपड़ों में मैं बाहर कैसे जाऊंगी। जल्दी से तैयार हो जाते हो वरना। ए चश्मेश, तुम अंदर हो क्या? हाँ। इन्हें भी अभी आना। तू जल्दी से बाहर आओ, मुझे भी चेंज करना है। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी मतलब? आलिया का संगीत अंदर मनाओगी? नहीं वो मेरा मतलब है मुझे मुझे टाइम लगेगा। और अगर इन कपड़ों में बाहर गई तो ये तो बहुत मजाक उड़ाएंगे। अगर ये कपड़े नहीं पहने तो दादी नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ तुम चेंज कर चुकी हो और मुझे तंग करने के लिए तुम अंदर हो। तुम जल्दी बाहर आओ वरना। वरना क्या? वरना वरना मैं दरवाजा लॉक कर दूंगा। और अरे लॉक कर दूंगा क्या, लॉक कर दिया, अब रहना अंदर सुबह तक। हे तनु माय डार्लिंग, तुम कहाँ भाई? और इतनी हॉट लग रही हो ना, लेकिन तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? कम क्लोजर, पास आओ। डोंट वरी, चश्मेश बाहर नहीं आ पाएगी, मैंने उसे लॉक कर दिया है। तनु बेबी कम गिव मी अ कम ऑन। दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेबाज, पता नहीं मैं क्यों। नॉट बैड, पर ये ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। जरूर आलिया ने कुछ प्लान किया होगा। यहाँ क्या देख रहे, उधर देखिए, उधर उधर देखिए आप। अरे अब फिर भी देखे जा रहे हैं। क्यों ना देखो। और ये क्या पहना है तुमने? क्या सोच के पहना है और किससे पूछ के पहना है तुम? दादी ने दिया है पहनने के लिए। अगर दादी ने पहनने दिया है तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो चल के दादी को दिखाते। Come on, let's go. नहीं नहीं, बाहर बाहर कैसे जा सकती मैं इन कपड़ों में? कैसे नहीं जाओगी? क्या कर रहे? चलो। नहीं नहीं, बाहर ऐसे नहीं जा सकती। ऐसा आएगा मेरा दुपट्टा दे दीजिए। मैं बाहर कैसे जाऊंगी, आप समझ नहीं रहे। दुपट्टा दीजिए, दुपट्टा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। आप क्या कर रहे? आप दुपट्टा दे दीजिए प्लीज। देखिए कपड़ों में हॉट लग रही हो। दुपट्टा दुपट्टा जी। मैं अभी क्या कर रही है? कुछ नहीं। प्रज्ञा सॉरी दादी। ए अभी जरा अंदर चल, चल मेरे साथ अंदर। ये सब क्या है? अरे ऐसे कपड़े पहना के बहू को नीचे सबके सामने लेके आएगा? दादी मुझसे क्या पूछ रही हो, इनसे पूछो। इसे क्या पूछू, मैं जानती हूँ ये तेरी ही शरारत है। तूने इसको जबरदस्ती ये कपड़े पहनने के लिए बोला होगा। मैंने? ये तो बोल रही थी कि दादी ने कहा इन्हें पहनने के लिए। मैंने? हाँ दादी आपने ही तो कहा था कि। मैंने कब कहा? दादी आलिया ने कहा कि आपने भेजी है ये ड्रेस। पर मैंने तो उसे समझ गई, ये सब आलिया नहीं। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। हाँ जाइए। और बेटा
तुझे जो कपड़े पसंद आए, जैसे भी पसंद आए तू वो पहन। और हाँ, अगर आलिया ने मुझे ये कहा कि तूने बोला था ये सब करने को, तो फिर बच्चू तेरी खैर नहीं। गलती किसकी भी हो, हमेशा सुनना मुझे ही पड़ता है। इस चश्मे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ए चश्मा, ए चेंज करना था। हेलो मिस मॉडी, इतना तुमने रैंप पे भी वॉक नहीं किया होगा जितना तुम यहाँ वॉक कर रही हो। आई एम जस्ट टू एक्साइटेड। मुझे देखना है जब वो चश्मिश मेरी ड्रेस पहन के नीचे आएगी ना, और फिर सबकी नजरों में नीचे गिर जाएगी, तो कितना मजा आएगा। हाँ, खुशी तो मिल नहीं रही, एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ ही मिल जाएगा। यार पर वो इतना टाइम क्यों लगा रही है? आई डोंट नो, शायद शीशे के सामने खड़े होके शर्मा रही होगी। शी इज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस, यू सी। ओह माय गॉड, यार तेरी दादी की कजिन फिर से मेरी टांग खींचेंगी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आलिया, तूने प्रज्ञा को कौन सी ड्रेस दी थी पहनने को? दादी वही ड्रेस जो आपने कही थी देने को। झूठ मत बोल। नहीं दादी, वो सच बोल रही है। I'll call you back. तूने अगर मेरी दी हुई ड्रेस प्रज्ञा को दी थी तो प्रज्ञा के पास तनु वाली ड्रेस कैसे पहुंच गई? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो वाली ड्रेस तनु को पहने मैंने कितनी बार देखा है। और तुझे पता है ना, वैसी ड्रेसेस ना तो मुझे पसंद है और ना ही वैसी ड्रेस पहनने वालियाँ मुझे पसंद हैं। हाँ, वैसे प्रज्ञा भी वो ड्रेस जच बहुत रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो। अभी की तो नजरें भी नहीं हट रही थी उस पे से, और तो और उसकी तारीफें करते करते तो उसका मुंह ही नहीं थक रहा था। मुझे नहीं पता कि वो ड्रेस उनके पास कैसे पहुंची, मैंने तो वही ड्रेस दी थी जो आपने कही थी देने को। गलती चाहे जानबूझकर की हो चाहे अनजाने में, गलती तो गलती है ना। अगर वो ड्रेस पहनकर प्रज्ञा नीचे आ जाती तो पता नहीं मैं क्या करती। दादी पर ट्रस्ट। आलिया तुझे पता है ना, वो तुम दोनों की तरह नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहने दो। और जो साड़ी मैंने उससे पहनने के लिए दी थी वही साड़ी उसको दो। और वैसे भी वो साड़ी तुम दोनों के पहनने लायक तो है नहीं, है ना? है ना? ये प्लान भी फेल। मैं तो दादी की नजरों में गिरती ही जा रही हूँ यार। अब दादी की तरह मुझे भी इन कपड़ों से इरिटेशन होने लग गई है। मैं भी आज अनारकली वाली ड्रेस ही पहनूं। तुम और वो बहन जी वाली ड्रेस पहनोगी? अगर दादी की नजरों में उठना है ना, तो एटलीस्ट उस बहन जी की तरह तो दिखना ही होगा। हाँ तो गई है ये संगीत, मेरी बहन का है तुम्हारा नहीं। इतने टाइम में पूरा परिवार दो बार तैयार हो जाता, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भी तैयार होना है। तुम बाहर निकल रही हो, मैं तनु को बुला लूं। बस दो मिनट और, मैं चली जाऊंगी ना, तब बुला लीजिएगा उस तनु को और फिर घंटों रहिएगा उसके साथ। मजा तो तभी आएगा जब तुम सामने रहोगी ना। दो मिनट बोलकर तुमने दो सेकंड में दरवाजा खोल दिया, और खोलने से पहले नॉक नहीं कर सकती। नॉक अंदर आने के लिए किया जाता है, बाहर जाने के लिए नहीं। मुझे क्या पता था कि आप दरवाजे से टिककर खड़े। आप तो ऑलरेडी तैयार है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? मुझे ना, जब तुम मेरे चेंजिंग रूम में आती हो ना, तो एक अजीब सी स्मेल आती है, तो मैं अपने इस चेंजिंग रूम को तुम्हारे टॉर्चर से बचा रहा था। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना। ना कमरे के अंदर चैन, ना चेंजिंग रूम, पता नहीं कौन लिपस्टिक कहाँ गई, लगाई क्यों थी? हाँ दादी, कैसा लग रहा हूँ मैं?
बेटा मेरी आंखें तो आगे लगी है ना, पीछे लगी होती तो बताऊं, अब पीछे मुड़ने देगा तो बताऊंगी ना। करेक्ट। उड़ गया ना होश, कैसा लग रहा है मेरा नया लुक? बहुत अच्छा लग रहा है, ये नया गेटअप तुझे बहू ने दिया है ना? क्या? मेरा मतलब है कि इसका मतलब है बहू किधर है? वो चेंज कर रही है। चलो हम नीचे चलते। नहीं नहीं, इस गेटअप में तो तुझे बहू के साथ ही आना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों हेलो? हाँ चलो चलो। ये सब हंस क्यों रहे थे? I have that effect on people. अरे चश्मिश, कितने टाइम से तैयार हो रही हो तुम, बाहर निकलो। दो मिनट और लिपस्टिक लगा रही हूँ। अरे कितनी बार लिपस्टिक लगाओगी? अगर कलर डार्क ही चाहिए था ना तो मेरा मेरा नहीं, मेरा क्यों, किसी का भी खून पी लेती। किसी और का क्यों, आपका ही खून पीऊंगी ना, क्योंकि आप मेरा खून पीते। दरअसल हिस्सा आपकी बहुत पक्की हुई।